अरे जी कारों से निकल गई। गड्डिया ने चंगा डेका लवाई गए आ रहा, सो फोन ऑफ कर दिया है मैंने, विच इज़ अ बिट ऑफ अ शेम, क्योंकि आपको जब जीपीएस ऑन होता है तो आपको वो जो टर्न होता है ना उसकी थोड़ी नोयत का समझ लग जाती है कि कैसी है। होंडा वालों को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ये जो ये वाला मोटर बाइक निकाला है ऑटोमेटिक, क्या ज़बरदस्त यार इसका गियर सिस्टम है ऑटोमेटिक के, ये कभी भी रॉन्ग गियर में नहीं होता। मतलब इस पहाड़ी इलाके में भी जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो वो अगर तीसरा गियर है तो वो उसमें उधर ही रखता है वो, मैं आई डोंट नो हाउ दे डू इट, लेकिन तो अभी देखे ना ये इसको गियर ऊंचा नहीं कर रहा, इवन दो बस मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ नथिंग, और ये अपने इसी गियर में जा रहा है सेकंड गियर, अब सेकंड से थर्ड में नहीं जा रहा उसी में, ठीक है। जब तक मैं एक्सेलेटर को ज़्यादा खोलूँगा नहीं तो तब तक वो दूसरे में ही रहेगा, हाँ मैं स्पीड बहुत ज़्यादा होगी यानी इवन आई थिंक नहीं जाएगा, अभी देख ले आई एम नॉट टचिंग द एक्सेलेटर, ब्रेक तो मारनी पड़ेगी वहाँ। और अगर फर्दर बिल्कुल ब्रेक मार के आहिस्ता कर दूँ तो वो पहले गियर में चला जाएगा। बिन परेशान है ये घटाएं तेरे बिन हैरान है, कर रही है रुतबी तो तेरा ही गम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ। ये बेसिकली इंजन ब्रेकिंग इधर इस्तेमाल कर रहा हूँ पहाड़ों की कसम।
झरनों की पुकारे हम सफर, तेरे मिलने के लिए तरसे नजर, तेरे मिलने के लिए तरसे नजर, छा गई कैसी उदासी एकदम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ। ये बड़ा मजेदार था, सच था।